अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद रसीब और आप देख रहे हैं वाइनिंग शॉप, आपका अपना चैनल वाइनिंग शॉप। अभी मैं मोटर खुला था तो अचानक मुझे याद आया कि एक बंदे का पिछले दिनों व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ था मेरे पास कि भाई मैं आपके फार्मूले पे ये वाले कवर के, उसने मुझे मोटर की तस्वीर भेजी कि मैं मोटर वाइंड कर रहा हूँ मगर जब मैं उसको चला रहा हूँ तो मुझे एक तो कार्बन की जो अपना कनेक्शन है वो चेंज करने पड़ रहे हैं और दूसरा ये कि जब मैं इसको वाइंड कर रहा हूँ तो उसकी रोटेशन बदल रही है। मैं काफ़ी टेंशन में था, मैंने बोला यार ऐसा होता तो नहीं है, मगर उसका कहना ये था कि ये बिल्कुल मोटर की तस्वीर भी दिखाई कि मोटर की तस्वीर भी इसी कार्बन की डायरेक्शन की थी और जो है वो कनेक्शन भी बकौल उनके वो 10 पे लगा के उसको वाइंड कर रहे थे मगर जो ओरिजिनल कार्बन पे तार लगे हुए वो मेन बनाने पड़ रहे हैं, यानी कि कार्बन के कनेक्शन चेंज करने पड़ रहे हैं। तो मैं अभी मोटर खोला था तो मेरे को नज़र आई मोटर इसी कार्बन कवर की, तो अभी मैं खोल के इसको आपको इसका ओरिजिनल डेटा शेयर करता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उनमें बहुत सारी मोटरें हैं, वो चॉपर ब्लेंडर वगैरह हर चीज़ों में आती हैं, काफ़ी सारी मोटरें इसी का तकरीबन देखें सब में ज़्यादातर कार्बन की डायरेक्शन यही आती है या फिर इसके मुतबादल होती है। फिलहाल जो हम इसी की बात करते हैं तो अभी मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ कि, और फिर मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि हम जो फॉरवर्ड वाइंडिंग को रिवर्स वाइंडिंग में अगर कन्वर्ट करना होता है तो उसका एक नया तरीका हमने निकाला है, इंशाल्लाह वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसी मतलब के इन्हीं तारों के ऊपर, ओरिजिनल तारों के ऊपर ही हम इसको जो है फॉरवर्ड को रिवर्स वाइंड करेंगे तो जो है कार्बन के तार चेंज करने नहीं पड़ेंगे और इंशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन चलेंगे। यानी कि पहले जो हम वाइंडिंग का डेटा आपको बताते थे उससे हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आपने ज़रूर देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करना। आर्मेचर मैंने निकाल लिया इसका और अभी आप ये देखो कि इसकी वाइंडिंग जो है वो फॉरवर्ड है, ये सेकेंड लास्ट कॉइल है और ये ऊपर वाला लास्ट कॉइल है, ये इस तरफ को चल रहा है। तो वाइंडिंग तो अभी हम पता चल गया कि ये वाइंडिंग बिल्कुल इसकी फॉरवर्ड ही थी और उन्होंने फॉरवर्ड ही की थी। अब सेकंड, अब इसके असल चीज़ आ जाती है कनेक्शन रोटेशन की बात करते हैं तो ये इसकी उल्टी चूड़ी है, उल्टी चूड़ी का आर्मेचर ही। बहुत सारे आर्मेचर मैंने खोले हुए थे तो मुझे मतलब कि ये मेरे दिमाग में थी बात कि यार ये हुआ है तो ये गलत हुआ है तो मुझे ये सब बताना चाहिए और मुझे खुद भी देखना चाहिए क्या कि मेरी मिस्टेक है या वैसे मसला कुछ और मसला हो गया। तो इसी वजह से मैं टेंशन में जल्दी आ जाता हूँ कि यार कोई मसला कोई फंसा हुआ हो ना तो मुझे टेंशन हो जाती है कि यार ये बंदा क्यों फंस गया। ठीक है, हमारे साथ जुड़ा हुआ बंदा फंस जाए तो फिर टेंशन होना एक फितरी बात है अगर बंदा सिंसियर हो किसी के साथ। तो बहरहाल ये अभी हमने ये देख लिया कि ये इसकी जो फॉरवर्ड वाइंडिंग है और अब हमने इसका देखना है कनेक्शन के, कनेक्शन कहाँ लगा हुआ है। ये मैंने तार तोड़ा हुआ इसका और ये तार इसका इधर से देखते हैं, ये यहाँ से तोड़ा मैंने तार इसका, मोबाइल अगर दिखा दे तो देखिए ये सिरा है ना, तो अगर हम यहाँ से देखेंगे तो एक दो तीन और ये चार पे, आप पीछे से चार पे कनेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, तो जब हम यहाँ से इसको पीछे से छः गिन के लगाएंगे तो ये उधर से घूम के 10 ही बनेगा, मेरी बात को समझे। अगर हम यहाँ से गिनते हैं तो ये पीछे से चार पे लगा हुआ है और अगर हम इसको वहाँ से गिनेंगे तो ये अभी अभी वाला ये कनेक्शन होगा 12 के ऊपर, नहीं तो मैं आपको गिन के दिखाता हूँ यहाँ से। ये देखें तो मेरा अंगूठा ज़्यादा काला आ रहा है, हाथ पूरे काले हो रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये 12 के ऊपर आ गया। देखा, तो जब हम 10 पे लगा के इसको वाइंड करेंगे तो आखिरी आके हमारा 12 पे लग जाएगा और अगर हम इसको पीछे से देखेंगे तो ये 4 पे लगा हुआ होगा, यानी फॉरवर्ड वाइंडिंग है। अगर लूप में आप वाइंड करते हो तो फॉरवर्ड वाइंड करके आप लूप इसकी पीछे छोड़ोगे और यहाँ से फिर कनेक्शन आप इसका पहला जो है वो 4 के ऊपर लगा दोगे, पहला 4 पे दूसरा इस तरफ को आप लगाओगे। ठीक है, अभी शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसका कनेक्शन 10 पे लग के ही वाइंड होगा, इसकी कनेक्शन रोटेशन बदल नहीं सकती। तो यकीनन कोई मिस्टेक हुई होगी तो आप इसको ज़रा एक दफ़ा ज़रूर देखिएगा। बाकी हमने एक नई वीडियो, भी नया फार्मूला जो हमने निकाला है वो इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ पूरी वीडियो डिटेल शेयर करूँगा कि इन्हीं जैसे ये अभी फॉरवर्ड वाइंडिंग है तो इसी को हम रिवर्स वाइंड कर सकते हैं और
जो कार्बन के कनेक्शन है वो भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे इंशाल्लाह, और बिल्कुल उन्हीं कनेक्शनों के ऊपर वाइंडिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आपको रोटेशन भी का मसला, जो रोटेशन का मसला बनता है वो भी नहीं बनेगा, और कनेक्शन भी चेंज नहीं करने पड़ेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।